हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है द ग्लास हाउस, जिसे डायरेक्ट किया है डेनियल सेकहीम ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम रूबी नाम की बंदी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ होती है। आज उसके पेरेंट्स बाहर गए थे, तो वो भी अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए आई थी। अगली सुबह उसके पेरेंट इस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि रूबी कल रात काफ़ी लेट घर पर आई थी, जो कि गलत था। एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए निकल जाती है। जब वो वापस आती है, तब उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस वाले उससे कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो चुका है। वो टूट जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। फिर अगले दिन हम रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर उसके नेवर मिस्टर एंड मिसेज ग्लास होते हैं। वो रूबी के पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बातें कहते हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद उसके मामा उसके पास आते हैं। पूरी लाइफ में रूबी ने उन्हें कभी नहीं देखा था। वो रूबी से कहते हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। रूबी कहती है, तुम इतने साल कहाँ थे माँ, और तुमने अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं रखा था। उसके मामा कहते हैं, ब्रदर और सिस्टर में कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। मैंने सोचा था, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारी फैमिली के पास टाइम स्पेंड करने के लिए आऊँगा, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। आज मुझे इस पर रिग्रेट है। वो रूबी के लिए कुछ करना चाहते थे। रूबी भी इसके लिए हाँ कहती है। अगले दिन रूबी का लॉयर उसके घर पर आता है। वो कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स का एक इंश्योरेंस था, अब तुम्हें पूरी लाइफ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक रूबी टीनेजर है, उसके पेरेंट्स के बिल के अकॉर्डिंग उसे गार्जियन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसके नेबर उसका ख्याल रखने वाले थे। नेबर उसके घर पर आते हैं। उनका नाम होता है टेरी ग्लास और उसकी वाइफ का नाम एरिन ग्लास। टेरी उसे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था, रूबी अगर अपनी लाइफ नए शहर में स्टार्ट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी वजह से सारे मिलकर मालोवर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इनका बड़ा हाउस था। रूबी और उसके ब्रदर को इन्होंने एक ही कमरा दिया। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती। टेरी कहता है, ये बस कुछ दिन के लिए है, तुम्हें अलग रूम मिल जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो खाना खाते हैं, ये रूबी और उसके ब्रदर को पसंद नहीं आता। इस वजह से वो आज रात पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। रात में रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर गई। तब उसे लग रहा था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने न्यू स्कूल जाती है। प्रीवियस स्कूल में इन बच्चों को जितना फ्रीडम मिलता था, उतना फ्रीडम यहाँ नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी रूबी एडजस्ट करती है। जब वो घर पर आती है, तब वो देखती है कि एरिन ने उसके लिए क्लॉथ लाए हुए हैं और उसके ब्रदर के लिए वीडियो गेम्स, जिसे लेकर वो दोनों खुश थे। रात में रूबी अपने फ्रेंड के साथ स्कूल कितना घटिया इस बारे में बात कर रही थी। ये बात एरिन सुन लेती है और वो गुस्सा हो जाती है। वो रूबी से कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड बनाने हैं तो तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि एरिन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ होगा, इसके उसे सपने आते हैं। एक रात 3 बजे वो स्विमिंग कर रही थी, तब टेरी उसके पास आ जाता है। वो उसे हवस की नज़रों से देख रहा था। उसने आगे से रात में स्विमिंग करने से मना कर दिया। रूबी के स्कूल में ड्राइविंग का क्लास था। रोड एक्सीडेंट कैसे होते हैं, इसकी वीडियो उन्हें दिखाई जा रही थी। इस बात से वो कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। उसका रात में खाना खाने का मन नहीं करता, इसलिए वो उठकर चली जाती है। तब एरिन उसके पास आती है। वो कहती है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तब रूबी कहती है, हाँ, मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। एरिन एक रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक टैबलेट उसे दे देती है। रूबी सोचती है, इतनी सारी दवाइयाँ किस काम की हैं। आज रात रूबी को बेहोशी की तरह नींद आई। आज रात फिर से वो उठ गई थी, इसलिए उसे नोटिस किया। टेरी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं। टेरी उसे देख लेता है। अगले दिन रूबी ने अपने स्कूल में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, उसके फ्रेंड्स बन नहीं पाए। इसके बाद हम देखते हैं टेरी उसके पास आता है और कहता, आज रात मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूबी उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी मानता नहीं। इसके बाद दोनों वहाँ पर जा रहे थे, तब टेरी ने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो रूबी को एक जगह पर डिनर करने के लिए लेकर आता है। वो वहाँ पर रूबी को समझाता है, कल रात तुमने जो भी देखा ये आम बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो चलते ही रहते हैं। इसके बाद घर वापस आते टाइम टेरी बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, तब वो गाड़ी को रोक लेता है। वो उसके बहुत करीब आ जाता है। रूबी डर जाती है। तब वो उसका सीट बेल्ट लगाकर वापस अपनी सीट पर चला जाता है। रूबी घर आकर नोटिस करती है कि एरिन खुद को इंजेक्शन लगा रही थी। ये बात रूबी को गलत लगती है। तब वो अपनी सिटी में जाकर लॉयर से बात करती है।
लॉयर को लगता है शायद रूबी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लॉयर उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर टेरी के साथ तुम नहीं रह पाए तब तुम्हें गवर्नमेंट की अलग अलग फैमिली में जाना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जो हेल्प रूबी को चाहिए थी वो उसे वहाँ से नहीं मिल पाती। इसके बाद हम देखते हैं रूबी के जाते ही लॉयर टॉरी को कॉल कर देता है और उसे सब कुछ बता देता है। रूबी के घर जाने पर टेरी और उसकी वाइफ उससे बात करते हैं। एरिन कहती है, मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है, जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तब वो डायबिटीज़ की मेडिसिन थी। रूबी को उन पर बिलीव हो जाता है। अगले सीन में रूबी अपने स्कूल में ड्राइविंग का क्लास ले रही थी, ये उसके लिए बहुत ही हार्ड था। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। टेरी के साथ कुछ लोग थे जो उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और वो वर्कशॉप में आ जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है ये उसकी पेरेंट्स की कार है। वो सोचती है एक्सीडेंट में इस कार को बर्बाद हो जाना चाहिए था। घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है ये बिजनेस है और बिजनेस में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। रात में रूबी अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालती है। उसे पता चलता है जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW चला रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास BMW नहीं थी। तब वो अपने लॉयर को कॉल करती है और उससे पूछती है, मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, जरा इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, वो थक गई थी इसलिए सो गई। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और रात में उसने पूरा ऐसे लिख डाला। अगली सुबह रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तब उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूबी को मिलने के लिए उसके स्कूल में उसकी सोशल वर्कर आई हुई थी, उसके लॉयर ने उन्हें भेजा था। सोशल वर्कर को जब पता चला रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तब उसे गलत लगता है, वो इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी। इसके बाद जब वो इंस्पेक्शन के लिए उनके घर पर पहुंची तब एरिन ऑलरेडी उनके रूम अलग अलग कर दिए थे। रूबी का ब्रदर टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सब लोग बाहर गए तब रूबी ने नोटिस किया कि ट्रैश कैन में उसके स्कूल का नोटिस था। टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया और उसके सारे पैसे वापस ले लिए थे। रूबी के मामा का भी लेटर आया था जो उन्होंने उसे दिखाया ही नहीं। ये सब बातें रूबी को बहुत ही सस्पिशियस लगती हैं। रात को ईमेल के थ्रू अपने लॉयर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी ने उसका अकाउंट बंद करवा दिया था। रूबी नोटिस करती है कि टेरी कुछ परेशान है और फ़ोन पर बात कर रहा है, वो उसकी सारी बातें सुनने लगती है। टेरी फ़ोन पर किसी से कह रहा था कि मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, एक्चुअल में मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे दे दूंगा। अभी मैं आपको $30,000 भेज रहा हूँ। ये $30,000 रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, इसका मतलब ये था वो सारे पैसे रूबी से लूट रहा है। अगले दिन रूबी को उसके लॉयर का कॉल आया, उसने कहा जो गाड़ी तुम्हारे पेरेंट्स चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। रूबी का सारा शक अब टेरी पर था। टेरी ने रूबी का जो ऐसे लिखा था ये भी कॉपी करके लिखा था, ये बात स्कूल में पकड़ी जाती है, इसके पीछे टेरी था। अब रूबी को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है और वो यहाँ नहीं रह सकती। बीच रात में जाकर वो टेरी की गाड़ी की चाबी चोरी कर लेती है, अपने ब्रदर को उठाती है और जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी उसे सही से चलानी नहीं आती लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल गई। नीचे गाड़ी की आवाज़ सुनकर टेरी भी जाग जाता है, वो उनका पीछे करने लग जाता है। रूबी को चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है, तभी वहाँ टेरी आ जाता है और इन दोनों को घर लेकर जाता है। रूबी टेरी से कहती है, तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। टेरी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अच्छी सी कार दे दी थी। रूबी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। रूबी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन घर पर आने के बाद एरिन ने उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। अगले दिन टेरी बैंक में गया, वो वहाँ से भी पैसे निकालने की कोशिश करता है। बैंक को पता चल चुका था कि उसने ऑलरेडी $30,000 की चोरी की है, वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। इस बात से बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एरिन एक्चुअल में डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो हमेशा ड्रग्स लेती थी और ये ड्रग्स वो हमेशा हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल हेड को पता चलती है तब वो उसे फायर कर देता है। इस बात को लेकर टेरी और एरिन में झगड़ा हो जाता है। एरिन कहती है, हमें इस तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ हमें पता चलता है रूबी के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे ये दोनों ही थे। एरिन को इस बात से बहुत गिल्टी लगता है, इस वजह से वो ड्रग्स लेती है। टेरी को इस बात से ज़रा भी गिल्ट नहीं था, वो कहता है, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी इसलिए मैंने उसे ले लिया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स लेने की ज़रूरत थी इसलिए टेरी उसे लेने के लिए चला गया। एरिन घर पर ही ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करती है जो उसे मिल जाते हैं। एरिन और टेरी जब यंग एज में थे तब उन्हें एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाती है और इमोशनल होकर वो ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। रूबी जब ये देखती है तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है।
जब टेरी घर पर वापस आता है तब उसे बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे जाकर फोन पर किसी से बात कर रही थी तो इस बात से टेरी गुस्सा हो जाता है। रूबी और उसका ब्रदर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। टेरी उन्हें पकड़कर बेसमेंट में डाल देता है। बेसमेंट से उन्होंने निकलने की कोशिश की। यहाँ पर एक बैंड था जहाँ से वो निकल सकते थे। टेरी वहाँ से बाहर जाने वाला था लेकिन उसने माइंड चेंज किया और घर पर वापस आ गया। वो ड्रिंक करके वहीं पर सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों स्लोली स्लोली बेसमेंट के बाहर आते हैं। ये टेरी की गाड़ी की चाबी उठाकर भागने वाले थे तभी वहाँ पर उनका लॉयर आ जाता है। वो टेरी से कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बैंक में भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी टेरी से पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक्चुअली रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था और कहा था टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। वो टेरी को मारते हैं लेकिन टेरी कहता है लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसी ने सारे पैसे चुराए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है इस बात से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से जाना चाहता था लेकिन गैंगस्टर उसे मार देते हैं। तभी वो वहाँ से टेरी को लेकर जा रहे थे। रूबी ने पहले ही टेरी की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और रोड पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रूबी और उसका ब्रदर रास्ते पर जा रहे थे तब एक पुलिस वाला उनकी हेल्प करता है। आगे चलकर पुलिस ने देखा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वो वहाँ पर जाकर देखता है तो टेरी अब भी जिंदा था। उसने पुलिस वाले को भी मार दिया और उसकी गन लेकर ऊपर आ गया। वो अब रूबी को मारने वाला था। रूबी डर गई और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। उसने गाड़ी से टेरी को कुचल दिया। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं रूबी और उसका ब्रदर अपने मामा के साथ हैं, अब वो उनका ख्याल रखने वाला था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।